चीन की जेलों में किसी जमाने 15 लाख कैदी थे और ये लोग रियासत पर बोझ बन चुके थे। हुकूमत इन्हें मुफ्त रिहाइश, खाना और कपड़े भी देती थी और इनकी हिफाजत, बिजली, पानी और गैस पर भी अरबों रुपए खर्च करती थी। ये अगर रिहा कर दिए जाते तो ये पूरे मुल्क को खराब करते और अगर जेलों में रहते तो रियासती खजाने पर बोझ बने रहते। चीन ने इन मुफ्तखोरों का दिलचस्प हल निकाला। हुकूमत ने लाओ गाई के नाम से जेल रिफॉर्म शुरू कर दी। चीनी हुकूमत ने कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए और फिर मुजरिमों को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया। छोटे जराइम में महबूस कैदियों को मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सरकारी तरक्याती स्कीमों पर लगा दिया गया। हुकूमत कैदियों को साइट्स पर बैरिक्स, बिस्तर, लिबास और खुराक फराहम करती है। ये लोग कैद की मुद्दत खत्म होने तक इन साइट्स पर काम करते हैं। ये कैदी जब सजा पूरी कर लेते हैं तो हुकूमत इन्हें रिहा कर देती है। हुकूमत दरमियाने दर्जे के जराइम में मुलविस कैदियों को मुल्क की मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले कर देती है। ये कंपनियां इनकी खुराक, लिबास, रिहाइश और निगरानी की जिम्मेदार होती हैं। हुकूमत इन कंपनियों के साथ मुआवजा तय करती है। यह मुआवजा हुकूमत के अकाउंट में बराह रास्त जमा करवा दिया जाता है। हुकूमत यह रकम जेलों, अदालती कार्रवाइयों और पुलिस पर खर्च करती है। और पीछे रह गए संगीन जराइम में मुलविस कैदी तो हुकूमत इन कैदियों को बैरून मुल्क भिजवा देती है। वो कैसे, हम इस सवाल के जवाब से पहले जरा बैकग्राउंड में जाएंगे। चीन इस वक्त अफ्रीका, श्रीलंका, मालदीव, सेंट्रल एशिया, लातिनी अमरीका, भारत और साउथ पैसिफिक जजायर में बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में भी 3 दर्जन मंसूबों पर काम कर रही हैं। पाक चीन इक्तसादी राहदारी भी इन मंसूबों में शामिल है। पाकिस्तान में 45 वर्षों में 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जबकि चीन यहां 15 वर्षों में 46 अरब डॉलर खर्च करेगा। ये चीन की एक मुल्क में सरमायाकारी है। आप इसे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, सार्क ममालिक और लातिनी अमरीका में चीनी सरमायाकारी का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। ये सरमायाकारी मुस्तकबिल में मजीद बढ़ेगी क्योंकि चीन की इक्तसादी पॉलिसी तीसरे फेज में दाखिल हो चुकी है। चीन ने पहले फेज में अपने लोगों को हुनरमंद बनाया, दूसरे फेज में मुल्क को फैक्ट्री बनाकर पूरी दुनिया को मसनूआत सप्लाई करना शुरू की और अब ये तीसरे फेज में दुनिया की अहम जुग्राफियाई गुजरगाहों पर खरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। ये हुनरमंदी, सनतकारी और राहदारी दुनिया के तीनों बड़े शोबे चीन के हाथ में चले जाएंगे। चीन इसके बाद चौथा फेज शुरू करेगा। ये चौथे फेज में दुनिया की तमाम मंडियां, होल सेल्स मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स और रिटेलर्स शॉप्स अपने हाथ में लेगा, जिसके बाद मसनूआत की तैयारी से लेकर फरोख तक पूरी जंजीर चीन के हाथ में आ जाएगी और दुनिया इसकी मोहताज होकर रह जाएगी। आप आज भी रिसर्च कर लें, आपको चीनी सरमायाकार दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के बड़े शहरों की मंडियों पर काबिज नजर आएंगे। ये कब्जा चौथे फेज की इब्तदाई तैयारियां हैं। ये लोग बड़ी मार्केटों के बाद छोटे मुल्कों की मंडियों की तरफ आएंगे और फिर इन तमाम मंडियों को आपस में जोड़कर अपनी अजारादारी कायम कर लेंगे। चीन 2049 में खुद को दुनिया की वाहिद इक्तसादी सुपर पावर डिक्लेयर करेगा। इस वक्त चीन की दुनिया में अहम इक्तसादी राहदारियों पर भारी सरमायाकारी जारी है और इन अहम राहदारियों में से एक राहदारी पाकिस्तान से भी गुजरेगी। दुनिया को चीन के इन अहम मंसूबों में बेशुमार माहिरीन नजर आते हैं। इन माहिरीन का एक हिस्सा उन कैदियों पर भी मुश्तमिल है जिन्हें चीनी लाओ गाई स्कीम के तहत ट्रेन किया गया है। हुकूमत कैदियों को सफरी कागजात बनाकर देती है, इन्हें दूसरे ममालिक के चीनी मंसूबों में खपा देती है। यूं ये कैदी दूसरे मुल्कों का राशन खाते हैं, दूसरे मुल्कों का लिबास पहनते हैं, दूसरे मुल्कों की रिहाइश गाहों में रहते हैं, हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं और इनका मुआवजा चीनी हुकूमत के अकाउंट में चला जाता है। हुकूमत इनकी हिफाजत, तबाही मुआयने और जेल अमले के अखराजात से भी बच जाती है। यूरोप और अमेरिका चीन की इस पॉलिसी के मुखालिफ हैं। अमेरिका ने 2016 में चीन की 3 बड़ी कंपनियों की मसनूआत पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि ये कंपनियां कैदियों से मसनूआत तैयार करवा रही थी। मगर ये जुल्म के ऊपर महाजुल्म है कि एक शख्स जुर्म के बाद रियासत का दामाद बन जाए और रियासत इसे 10-20 साल तक मुफ्त रिहाइश, खाना, तबाही सहूलतें और लवाज भी फराहम करे और इसकी हिफाजत पर लाखों रुपए भी खर्च करे। ये जेल जेल और ये कैद कैद तो ना हुई बल्कि पिकनिक पॉइंट हो गया। चनाचा चीन का फैसला दुरुस्त है, ये कैदियों को ट्रेन करता है, उनको काम पर लगाता है, अपने कैदियों के अखराजात दूसरे ममालिक से वसूल करता है और उल्टा मुआवजा भी ले लेता है और ये रकम बाद में जेलों, पुलिस और अदालतों पर खर्च हो जाती है। ये ऐन अकलमंदी है। हम जैसे मुल्कों को भी इस अकलमंदी से सीखना चाहिए। आप किसी दिन पाकिस्तान की पुलिस, अदालतों और जेलों का तजिया कर लें, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान में 3,000 तक थाने हैं। मुल्क में रोजाना औसतन 20,000 FIRs और शिकायत दर्ज होती हैं। अदालतों में 17 लाख केसेस जेरे इल्तवा हैं। मुल्क में 87 जेलें हैं। इन जेलों में 1.5 लाख कैदी बंद हैं। हुकूमत को हर साल जेलों, अदालती कार्रवाइयों और थानों पर अरबों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। आप कैदियों को देखें, ये कितने मजे में हैं। ये जुर्म करते हैं और 10-15 साल के लिए सरकार के दामाद बन जाते हैं। हुकूमत इन्हें गर्म और ठंडा पानी भी देती है, इन्हें हीटर और पंखा भी फराहम करती है, 3-3 वक्त मुफ्त खाना भी देती है और इनके लिबास, बिस्तर और अद्वियात का
का बंदोबस्त भी करती है। मुल्क में ये सहूलतें आजाद शहरियों को दस्तियाब नहीं है, क्या ये पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से ज्यादती नहीं? हमारी हुकूमत कैदियों को चीन की तरह काम पर क्यों नहीं लगाती? ये इन्हें काम सिखाए और सड़कों, नहरों, डैम्स की खुदाई पर लगा दे, इनसे रेलवे की पटड़ियां बिछवाए, इनसे मसनूआत की पैकिंग करवाए और इनसे चोलिस्तान और थर के सहराओं को काबिले काश्त बनवाए। ये इन्हें LOC की हिफाजत और मोर्चों की खुदाई पर भी लगा सकती है। ये इनसे अफगानिस्तान की सरहद पर बाढ़ भी लगवा सकती है। आप इनके बाजुओं पर ट्रैकर लगाएं और इन्हें काम पर लगा दें, ये मुल्क का असासा बन जाएंगे।